हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लेग्स बिहाइंड इन दीज क्रिटिकल एरियाज। सो यहाँ पे कहता है कि जैसे हमने अपने प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें पढ़ा है कि कैसे महाराष्ट्र का जो एवरेज इनकम है वो केरला से बेटर है, बट फिर भी वो केरला से पीछे रह जाता है। किस चीज़ों में? लिटरेसी रेट में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, और भी बहुत सारे चीज़ों में जो है वो महाराष्ट्र केरला से पीछे है। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो यहाँ पे कहता है कि मनी अगर आपके पास हो तो ये आपको गारंटी नहीं होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। लाइक अगर हमारे मार्केट में राइस या वीट या कॉटन या फिर मेज, सॉल्ट, शुगर, अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही ना हो, सो आपके पास कितने भी पैसे हो आप उसे नहीं खरीद पाओगे। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज़। सो इनकम, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि इनकम होने से हमें ये करेक्टली नहीं हमें राइट हो जाता है कि हम कोई भी मटेरियल थिंग्स को यूज़ कर सकें, बल्कि उसके लिए उस मटेरियल थिंग्स का अवेलेबल होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट टू इंश्योर यू डैट यू विल गेट अनएडल्टेड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास पैसा, आपके पास जो पैसा है वो आपको ये इंश्योर नहीं करता कि आप जिस एनवायरमेंट में हो वो पॉल्यूशन फ्री होगा, या आप जिस एरिया में रहते हो वो डेंजरस एरिया ना होगा, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तब तक इंश्योर नहीं होती हैं जब तक आप ये सारी चीज़ों को कम्युनिटी लेवल पे यानी एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। मतलब अगर आप किसी एरिया में रहते हो सो ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि उस एरिया की, उस लोकेलिटी के सारे सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, वो जो है एक सेफ़ एनवायरनमेंट लिविंग के लिए आपको प्रोवाइड करें, और आपको ही नहीं मतलब अपने सारे नेबर्स को प्रोवाइड करें। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें एक ग्रुप वर्क में ही मिल सकती है, ग्रुप वर्क करने के द्वारा ही मिल सकती है। ओके, मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फॉर इन्फेक्शियस डिजीज अनलाइक द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। यहाँ पे कहता है कि आपके पास पैसा हो बट वो पैसा आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता है जब तक पूरे कम्युनिटी लेवल पे उस डिजीज से फाइट करने का सभी लोग एक साथ फाइट ना करें। ओके, लाइक अगर हम अपने एरिया की बात करें सो हमारे एरिया में क्या होता है कि गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम जो होना चाहिए वो नहीं है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी होता है लोकेलिटी के, हमारे लोकेलिटी का, सो वो जो गार्बेज है वो इधर उधर जिधर मन किया उधर फेंक देता है। लाइक वो पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ कर यूज़ करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पॉल्यूशन है वो डिग्रेड होता है स्लोली स्लोली, और जिसकी वजह से एक बहुत ही बुरा स्मेल जो है वो हमारे आसपास के एरिया से आता है। बट और वो स्मेल, तो स्मेल में भी उसमें हो सकता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सो उसमें से कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है वो बर्थ ले सकता है। बट हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं इस मामले को लेके। सो इसके लिए तो अभी जो बात हुई, तो अभी जो हमारे DM हैं और जो भी यहाँ के लोकल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, बट अभी भी ये हमारा जो सिचुएशन है हमारे मेरे एरिया का वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक क्या बोलते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। सो यही हमारे बोलते हैं कि हमारे पास कितना भी पैसा हो लेकिन हम अपने पैसे से लोगों को नहीं समझा सकते कि भाई गार्बेज मत फेंको, इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंको, इधर उधर गंदगी ना फैलाओ। इसके लिए कॉमन सेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। सो यहाँ पे कहते हैं कि जो बेस्ट वे है किसी भी लाइफ को इम्प्रूव करने का, किसी के भी लाइफ को इम्प्रूव करने का, और जो चीपेस्ट वे भी है, सो वो ये है कि ये सारी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक साथ एक इंसान को प्रोवाइड कर दी जाए। यानी अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हो सो उस लोकेलिटी के नियर बाई में आपको स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, मेडिकल हॉल्स हों, ये सारी चीज़ों हों ताकि आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफ़िल हो सकें। जस्ट थिंक
Will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? So बोलते हैं कि आप एक बस एक example की तरह हम समझाया जाता है कि आप suppose करो कि आपके पास security, आपको security की ज़रूरत है, आप security man जो है वो कैसे रखोगे, कैसे appoint करोगे, community level पे appoint करोगे या हर घर के लिए एक security को appoint करोगे, security man को? Of course हम लोग अपने colony level पे ही security man को appoint करते हैं, एक हो या दो हो, जितने भी हो. So अगर हम घर वाइज मतलब house wise अगर security man को appoint करते तो कोई use नहीं है, बिकॉज उस जो चीज़ कलेक्टिवली हम एक सिक्योरिटी या दो सिक्योरिटी मैन से ले सकते हैं उसके लिए हमें एक लास्ट सम ऑफ मनी जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर कॉलोनी में ही मतलब हमारे सिक्योरिटी मैं हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सो उसके लिए क्या होता है कि कॉलोनी के जितने भी मेम्बर्स हैं वो कुछ शेयर्स जो होते हैं उनकी सैलरी की, वो जो होता है वो कलेक्ट करके दे देते हैं उस गार्ड की सैलरी के लिए अपने शेयर में से, ताकि उन पर पूरा बोझ ना पड़े. बट अगर हम एक बस सिंगल हाउस सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए हमें खुद से पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, और जो काम वो दोनों सिक्योरिटी मैन कर सकते हैं, पूरे कॉलोनी को सेफ रख सकते हैं, वही काम जो है वो एक सिक्योरिटी वाला हमारे घर को सेफ करके रखेगा. सो क्यों ना हम पूरे सिक्योरिटी पूरे अपने कॉलोनी को सिक्योरिटी दें उन दो मैन सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा. सो इसलिए जो है वो बेनिफिशियल है कि हम अपने कॉलोनी में दो सिक्योरिटी मैन रखें. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? तो यहाँ पर पूछता है कि अब आप बताइए कि अगर आपके विलेज में या आपके लोकेलिटी में कोई इंटरेस्टेड ना हो स्टडिंग में तो क्या होगा? Would you be able to study? क्या आप पढ़ पाओगे? Not unless your parents could afford to send you some private school elsewhere. So अगर आपके लोकेलिटी में कोई स्टडी के लिए स्टडी को इम्पॉर्टेंस नहीं देता है सो ऑफकोर्स वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होगा, और स्कूल होगा भी तो टीचर्स अच्छे टीचर्स नहीं होंगे. सो आप कैसे पढ़ोगे? आप तभी पढ़ पाओगे अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैपेबल हैं आपको मतलब अपने विलेज से या फिर अपने जितने भी लोकेलिटी एरियाज़ हैं, लोकल एरियाज़ हैं, उसके बाहर भेजने के लिए अगर वो कैपेबल हैं तभी आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड द अदर फैसिलिटीज़ सो दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी. सो यहाँ पे हमें बताता है कि इसीलिए हम लोग क्यों पढ़ पाते हैं अपने स्कूल्स में, क्योंकि और भी बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, और लोग जो हैं वो अवेयर हैं अपने राइट्स की, वो जानते हैं कि अगर हम पढ़ लेंगे तभी हम अपने लाइफ में कुछ बन सकते हैं, और इसीलिए वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज़ करते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ स्कूल्स को ओपन कीजिए, और जो भी फैसिलिटीज़ एक चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए चाहिए वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary-level schooling because government or society has not provided adequate facilities. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को एम्पावर नहीं किया जाता है. क्यों? क्योंकि उनकी मतलब ऐसी धारणा होती है सोसाइटी में कि गर्ल्स पढ़ के क्या करेंगी, मतलब उनको तो शादी करनी है और फिर वो चली जाएंगी. सो उनके पेरेंट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं पढ़ाते. कोई कोई पेरेंट्स जो होते हैं उनको प्राइमरी स्कूलिंग भी नहीं कराते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि हर चिल्ड्रन का राइट होता है कि वो एजुकेशन हर चिल्ड्रन के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. बट फिर भी ऐसा होता है कि गर्ल्स को जो है वो नहीं इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई के लिए भी इनक्रेज नहीं किया जाता है. इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट और सोसाइटी की तो बात हो गई, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एडुकेट फैसिलिटीज़ नहीं दे पाई हैं गर्ल्स को. सो ये भी अनदर रीज़न है कि गर्ल्स क्यों नहीं आगे बढ़ पाती हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में अपना क्या बोलते हैं हेल्प कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर पाती हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो हेल्प क्या करेंगी, उन्हें जब किसी बात के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या से वो क्या किसी को क्या सजेशन देंगी. सो यही रीज़न है. नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा है केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे कहता है कि केरला का जो है वो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है लोगों का हेल्थ का
और लोगों के एजुकेशन फैसिलिटीज़ का, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तभी वो अपने राइट्स को जान सकेंगे और तभी वो अपने राइट्स के लिए अपनी वॉइस को भी रेज कर पाएंगे. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल. सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए 9th क्लास में भी पढ़े हैं और 10th क्लास के आगे वाले चैप्टर में भी हमें पढ़ाया जाएगा इसके बारे में और डिटेल से. सो यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है अच्छे से काम करता है. इसकी वजह से जो है लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा होता है और जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो डिक्रीज करती है. Health and nutrition status of people of such states are certainly likely to be better. So यहाँ पे कहता है कि उन states की जो people के health होते हैं वो better होते हैं, क्योंकि जो भी poor हैं उनको भी एक nutrition diet मिलता है जिसकी वजह से वो भी एक strong person की तरह रह सकते हैं. उनकी भी जो नीड्स हैं, बॉडी नीड्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस के वो फुलफ़िल हो जाते हैं. सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे अपने चैप्टर को एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.